नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है राज्य अधिकारी ब्लॉग। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, लगा लो एक महीना हो ही गया होगा मुझे आए। आज मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जाड़े तो लगे हुए हैं, बट आज सुबह से जो बारिश लगी हुई है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। सो मैंने कहा सुबह से जो बारिश लगी हुई है मैं क्यों ना, मेरा मूड काफ़ी अच्छा था, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँ और बारिश के मज़े लूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का आज व्यू कैसा हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। और साथ में हमारे ये देखो, ये इन दोनों को एक पोछा लगा दे, थक गए हैं, एक बैठे बैठे थके हैं। ये सुबह से कुछ काम नहीं किया है, मैं उठ गई हूँ, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है। और हमारी माता श्री पोछा लगा रही है, पोछा लगा रही है। और ये बैठा हुआ है मेरा बानू, मेरा जिमी। जिमू हाय बोल दे, इसको काफ़ी ठंडा लग गया है, ये कह रहा है डोंट डिस्टर्ब मी, तू निकल जा मेरे सामने से। हैं बानू ऐसे कहती है, नहीं इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो ठंडे से कह रही है जिमू। सो आज दिन में क्या क्या होगा, हम क्या क्या करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे पीछे पड़ गया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो छोड़ो इन्हें इग्नोर करो। बस हो गाइस, अब करेंगे आज की तैयारी, अब बनाते हैं खाना वगैरह। फिर मैं आपके साथ बताती हूँ आज हम क्या बना रहे हैं। फिर आज चावल नहीं बनेगा, आज कुछ और बनेगा। ठीक है, आज आलू के पराठे बनेंगे और दिन भर में जो जो भी बनेगा हम शेयर करते हैं। बस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बस आप वीडियो इन तक देखना। यहाँ पे भाभी और मम्मी लगी आग सेकने में, ठीक हो गया इलीजा? आप लोग भी सेकोगे? लीजिए आग सेको और जाड़े की बारिश का मजा लो। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बारिश हो रखी है। ओए जा भलड़ छा, ठीक छो। और यहाँ पे देखिए बारिश, काफ़ी बारिश लगी हुई है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुहाना है। मेरी भाषा में मुझे बारिश बहुत पसंद है। एक बाल्टी पानी तो भरी गया, अब लगा लो सुबह 5 बजे से इतनी बारिश तो हो ही गई है। यहाँ पे सभी नाश्ते के लिए अपने अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं, लाइक मैंने आटा गूंदना है, भाभी ने अपना काम करना है और हमारी माता श्री हमारी मदद करती हैं काम पे। सो अब हम करते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ते की तैयारी क्या, हम नाश्ता बना रहे हैं अब। A few moments later. So, हमारा नाश्ता बन गया, नाश्ता तैयार है। 11 बज गए हैं वैसे तो बजने को, बट बारिश की वजह से टाइम का पता नहीं चल रहा। बन गए हमारे आलू के पराठे, अचार है आम का अचार घर का बना हुआ है, और सब्जी आलू की विद चाय। चाय तो आपको पता ही है, नाश्ते में हो कुछ भी हो चाय चाहिए। अब हम फटाफट से करते हैं नाश्ता। और दिन के 12 बजे थोड़ी धूप आ गई थी, तो मैंने और मेरी डॉगी ने सोचा क्यों ना हम धूप सेके यहाँ पे। हाय बोल दे जिमी, ये इधर देख, क्या हुआ? आपकी फोटो ले रही हूँ मैं, दोनों बिजी हैं। सो गाइस, आज मेरे दिन का काम ये था, दिस इज फ्लावर पॉट, बट ये थोड़ा फंदे ज़्यादा हो गए थे तो ये थोड़ा गगरी टाइप बन गया है, लाइक मटका, बट अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा कलर कॉम्बिनेशन ठीक है तो बना दूँ। जी मैंने रखा यह फ्लावर पॉट, आज का मेरा दिन का काम यही था। अब चलते हैं नीचे, अब कुछ और काम करते हैं, अगर कुछ करने को है। बारिश तो रुक गई थी, फिर भी बादल लगे हुए हैं। ये कैसा लग रहा है मुझे सब बता देना। इवनिंग का टाइम है, अब हम घूम के आते हैं, थोड़ा आपको भी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं बारिश के बाद का मौसम। ये
ये साड़ी है हमारी कुल्लू। कुल्लू में सबके खेत धान वगैरह, और ये जो आपको दिख रहा है ये बेलपत्री का पेड़ है। ज़्यादा ही झूम हो गया यार। और वो पर पार हमारा वो धूर है जो कि हम लोग जाते नहीं हैं। वो दूर दूर तक जितना आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो सारी हमारी कुल्लू है। उधर को गांव है। हम अपने घर से उतने नीचे आ चुके हैं। और वो उधर नदी है, वहाँ से फिर उधर को गांव पड़ता है दोबारा से, जो कि मैंने आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर रखा है सब में। अभी आगे को वीडियो पे आप देखेंगे। ये सामने गांव हमारा पार गांव है, यहाँ का नाम पाक्सा है। इसके बीच में यहाँ जाने की नदी पड़ती है बीच में, जो कि हम नदी क्रॉस नहीं करेंगे, अच्छे बच्चे हम। बारिश के दिनों में नदी में नहीं जाते नक्को कहीं नहीं जाते। सो मैं आपको यहीं से ऐसे दिखा रही हूँ। जी बड़ा सा पेड़ है ये। किसका पेड़ था यार? कुछ था इसमें ना, मैंने बंदर देखा था बचपन में, बहुत हाँ लंगूर, तो मैं डर गई थी, फिर मैं घर को आ गई थी। मैंने आपको बताया था ना, वही आपको ही बता रही हूँ। उसके बाद यही वो इधर मेरा जिमी है, ये इधर मेरी भाभी है, और ये इधर दोबारा से वही पाक्सा गांव है। ऐसे मैं आपको आंवले दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर तक तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा कैमरा भी नहीं पहुँच पाएगा। ये देखिए, इसमें हुए हैं काफी आंवले। ये शाम की रोटी बननी स्टार्ट हो रही है। और ये देखो मैडम की रोटी, गोल गोल चूल्हे की रोटी। आप सब खाना पसंद करेंगे। ये चूल्हे में बनाए रहे हैं रोटी, डेली चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं। ये मम्मी जी भी बैठी हुई है यहाँ पे। मैं आपको रोटी दिखाती हूँ। ये स्पीड से रोटी बनाई जा रही है। देखिए ये शाम का समय, कोयले और साथ में हमारे खाने की प्लेट लगी चुकी है। इतना ही हमारा खाना है, कम खाओ अच्छा खाओ वाला हिसाब है। और साथ में ये दोनों बैठ गए खाना। कितने प्यार आप, हम भी खाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। जी, और सभी को शुभ रात्रि। आप जिस भी टाइम में मेरी वीडियो देख रहे हैं वही रात वही सब कुछ।